हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट टाइप ऑफ सेट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो सेट्स का इंट्रोडक्शन किया था, तो आज हम स्टडी करेंगे सेट्स के कितने टाइप होते हैं। तो सेट्स के बच्चे बहुत सारे टाइप होते हैं। फर्स्ट है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सब सेट, प्रॉपर सेट एंड दिस वन इज पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। तो अब वन बाई वन इनको डिटेल में स्टडी करते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है। तो फाइनाइट बच्चे, फाइनाइट खुद जो वर्ड है ना, वो क्या मीनिंग दे रहा है हमें? सीमित। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? सर्टेन होंगे, वो फाइनाइट होंगे। तो फाइनाइट सेट क्या होगा? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? फाइनाइट हो। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, तो एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 होते हैं, ये वही सर्टेन है, फाइनाइट है। ऐसे ही सेट्स ऑफ हॉस्पिटल इन दिल्ली, दिल्ली में कितने हॉस्पिटल्स हैं, ये भी सर्टेन है, फाइनाइट है, 50 है, 60 है ना, तो ये सर्टेन है। अब आगे देख लेते हैं हम इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट वर्ड बच्चे क्या मीनिंग दे रहा है हमें? अनंत, जिसकी लिमिट ही ना हो, है ना। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कि भाई नेचुरल नंबर्स का सेट, तो इसमें नेचुरल नंबर्स का सेट, अभी इन्होंने ये नहीं बोला कि 5 तक नेचुरल नंबर होंगे, 6 तक नेचुरल नंबर होंगे। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स तो हमारे इन्फिनिटी तक होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इसमें जो हमारे एलिमेंट होंगे वो अप टू इन्फिनिटी होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब आगे देख लेते हैं हम सिंगलटन सेट। तो जो सिंगलटन, जो सिंगल वर्ड है ना, सिंगल वर्ड, तो ये हमें क्या मीनिंग दे रहा है? सिंगल मीन्स वन, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बस एक ही हो, ओनली वन, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। जैसे ये हो गया, कोई सेट ए है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? एक ही है। और ये जो आगे लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है? एक्स इज सच दैट, एक्स इज सच दैट, 12 से तो क्या हो? ग्रेटर हो। और 14 से क्या हो? लेस हो। और जो एक्स बिलोंग्स करेगा वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर बनेगा हमारा? भाई 12 से तो ग्रेटर हो और 14 से लेस हो, तो एक ही नंबर बनेगा, वो कौन सा होगा? 13। एक एलिमेंट आया, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सिंगलटन सेट, है ना। अब आगे देख लेते हैं हम एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी क्या दे रहा, क्या मीनिंग दे रहा हमें? एम्प्टी मीन्स खाली, इसे हम नल सेट भी बोलते हैं। और इसको जो एक और होता है, वॉइड सेट भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। जो वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, है ना, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? साई से। ये किसका साइन है? साइन है। या फिर हम इसको दो कर्ली ब्रैकेट्स को लगाकर उसको खाली छोड़ दें, इससे भी एम्प्टी सेट को डिनोट किया जाता है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेट ऑफ ओल्ड ओल्ड इंटीजर्स ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 9, वो ओल्ड इंटीजर जो 7 से तो बड़ा हो और 9 से छोटा हो, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा? अभी एक ही एलिमेंट होगा, 8। लेकिन ये क्या है बच्चे? इवन है ये तो, इन्होंने तो हमें ओड बोला है, तो ऐसा तो कोई भी एलिमेंट नहीं है जो 9 और 7 के बीच में हो और ओड हो, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट, या फिर वॉइड सेट, या फिर नल सेट। अब हम देख लेते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, जब किसी सेट ए का हर एक एलिमेंट बी में हो और जब और बी का हर एक एलिमेंट किस में हो? ए में हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कोई सेट ए है,
उसमें एलिमेंट है 3, 7 और 9, और जो दूसरा सेट है उसमें हो गए 9, 7 और 3। बस ऑर्डर जो अरेंजमेंट का वो उसका फर्क है, लेकिन एलिमेंट जो भी है वो बिल्कुल सेम है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट, जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट बी में कंटेन करे और बी के भी सारे एलिमेंट किस में कंटेन करे, ए में, उसे बोलेंगे हम इक्वल सेट। अब आगे देख लेते हैं हम इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन सा होता है बच्चे? इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा, अब यहाँ पे ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो एलिमेंट्स ए में कंटेन किए जाएं वही एलिमेंट्स बी में कंटेन किए जाएं। यहाँ पर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे कोई सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1, 2, 3, और कोई सेट बी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 4, 5, 6। यहाँ पे एलिमेंट सेम, ये जरूरी नहीं है कि एलिमेंट सेम हो, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे इक्वल होने चाहिए, हाँ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। अब हम देख लेते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। जब किसी सेट, कोई सेट बी है उसका हर एक एलिमेंट किसी सेट ए में कंटेन किया जाता है या किसी सेट ए में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, भाई बी है ना उस सेट का सबसेट है, ठीक है। जब किसी एलिमेंट के, जब किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में कंटेन किए जाते हैं उस सेट को हम सबसेट बोलते हैं, जिस सेट में उसके एलिमेंट्स कंटेन किए गए हैं, है ना। तो इसका एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं, जैसे कोई सेट बी है उसके एलिमेंट हो गए 1, 2, 3, 4, और कोई सेट ए है उसमें एलिमेंट हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो जो बी है ना वो किसका सबसेट हुआ, ए का। इसको हम कैसे लिखेंगे, बी इज द सबसेट या बी इज कंटेनेड इन ए, या फिर इसको हम क्या रीड कर सकते हैं, ए कंटेन बी, है ना। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक जो सेट होता है वो अपने जो खुद का जो सेट होता है उसका सबसेट होता है, और जो एम्प्टी सेट होता है ना वो सबसेट होता है हर एक सेट का। अब हम आगे देख लेते हैं प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या होता है बच्चे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, वेयर एज एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। अब यहाँ पे क्या, बी का हर एक एलिमेंट ए में होना चाहिए, लेकिन ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ए का भी हर एक एलिमेंट बी में हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सेट, जैसे बी कंटेनेड इन ए, ठीक है। तो बी का हर एक एलिमेंट ए में कंटेन किया जा रहा है, लेकिन ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में कंटेन किया जाए, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, बी इज प्रॉपर सेट सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट, सबसेट ही हुआ एक टाइप से, क्योंकि ए कंटेन किस में हो रहा है, सॉरी बी ए में, है ना। तो अब आगे हम देख लेते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। जितने भी किसी सेट के सबसेट पॉसिबल होते हैं उसकी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। जैसे ये कोई सबसेट होगा बच्चे, इसके जितने भी सबसेट हम पॉसिबल कर सकते हैं, जितने भी सबसेट बना सकते हैं, तो ये जैसे फाई तो सबका, सॉरी साई तो सबका ही होता है ना, तो इसका एक जो एलिमेंट 1 है ये अलग से सबसेट बना सकता है, 2 है वो अलग से, 3 अलग से, 1, 2 की पॉसिबिलिटी है, 2, 3 की पॉसिबिलिटी है, 1, 3 की पॉसिबिलिटी है ना, और एक 1, 2, 3 हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसेट पॉसिबल हैं इसके। तो अब जो ये कलेक्शन बन गई ना सबसेट्स की, इसके सेट की जो कलेक्शन बन गई इसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। इसको कैसे डिनोट करेंगे, पावर सेट ऑफ ए।
अब देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट, लास्ट लास्ट सेट रह गया हमारा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल खुद मीनिंग दे रहा है कि मतलब सारे ही सबसेट को कवर कर देगा ये, जितने भी सबसेट हैं या वो जिस सेट में कंटेन किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। जैसे कोई सेट ये है ए, कोई सेट बी है, या फिर कोई सेट सी हो गया 7, 8, 9, यूनिवर्सल सेट भी हमारा कंटेन करा 7, 8, 9 है ना। तो अब ए भी इसमें कंटेन होता है, ये भी इसमें कंटेन होता है, और ये भी यूनिवर्सल सेट इन तीनों सेट्स को कंटेन कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। लार्जेस्ट वो लार्जेस्ट सेट जो सब सेट्स को कंटेन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों ये हमारे टाइप थे सेट्स के, आई थिंक अच्छे से समझ में आए होंगे।